हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बिंदु रेखा किरण और रेखा खंड के बारे में पढ़ेंगे। तो बिंदु बिंदु माने पॉइंट, लाइन मतलब रेखा, और रे मीन्स किरण, और लाइन सेगमेंट मीन्स रेखा खंड। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिंदु क्या है। तो बिंदु किसको कहते हैं? बिंदु दोस्तों, कहीं भी अगर छोटा सा ऐसे एक रिमार्क एक मार्क लगा देंगे तो बिंदु हो गया। लेकिन इस बिंदु जो बिंदु हम लगा देते हैं, उस बिंदु को अगर देखा जाए तो इसमें कुछ न कुछ मोटाई है, और इसमें चौड़ाई भी है, और इसका कुछ न कुछ लंबाई भी है। लेकिन बिंदु क्या होना चाहिए? बिंदु वो होना चाहिए कि जिसमें मोटाई लंबाई चौड़ाई ना हो। तो बिंदु की परिभाषा क्या हुई? लेकिन हम बिंदु को दिखाने के लिए बिना कोई स्थान दिए तो कर नहीं सकते, इसलिए बिंदु की परिभाषा क्या हो गई कि वह निर्दिष्ट स्थान जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो उसे बिंदु कहते हैं। इसे हम कैसे दिखाते हैं? एक कोष्टक में एक पॉइंट लगा देते हैं, माने एक निशान बना देते हैं, उसी को हम कहते हैं बिंदु। तो बिंदु क्या हो गया? बिंदु की न तो लंबाई होती है, न तो मोटाई होती है, और न तो इसकी चौड़ाई होती है। बिंदु के बाद आता है रेखा। रेखा क्या है? रेखा रेखा किसी भी बिंदु के दोनों ओर जो अपरिमित विस्तार होता है उसी से रेखा बनती है। लेकिन उसके लिए वह शर्त होती है कि उसमें लंबाई के अतिरिक्त उसमें मोटाई और चौड़ाई ना हो। तो रेखा की परिभाषा क्या हो गई? आप आसानी से लिख सकते हैं, आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। लिख सकते हैं किसी बिंदु के दोनों ओर अपरिमित विस्तार, अपरिमित मतलब इन्फिनिटी, अपरिमित विस्तार जिसमें मोटाई तथा चौड़ाई न हो, तथा चौड़ाई न हो तो उसे हम उसे रेखा कहते हैं। तो इस तरह से आप रेखा की परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी बिंदु के दोनों ओर अपरिमित विस्तार जिसमें मोटाई तथा चौड़ाई न हो तो उसे रेखा कहा जाता है, उसे रेखा कहते हैं। रेखा को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? रेखा को प्रदर्शित करने के लिए एक आप इस तरह से ऐसे करके इसको प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। आप इसको देख करके बता देंगे कि रेखा है कि क्या है ना, तो इसे हम रेखा कहते हैं, और इसको प्रदर्शित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से हम अब किरण भी लिख सकते हैं। किरण क्या हो गया? किरण की परिभाषा अब आसानी से अपने आप लिख सकेंगे। देखिए, किरण किसे कहेंगे? किरण की परिभाषा आप लिख लेंगे आसानी। देखिए कैसे लिखेंगे? लिखेंगे किसी बिंदु के एक ओर, केवल एक तरफ, एक ओर अपरिमित विस्तार को किरण कहते हैं,
अपरिमित विस्तार को किरण कहते हैं और किरण को दिखाने के लिए केवल एक तरफ एरो लगाएंगे, इसको लिख देंगे से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको आसानी से अब समझ में आ गया, आप बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं, हो जाएगा। इसके बाद हम बताते हैं रेखाखंड क्या है, लाइन सेगमेंट। आप रेखाखंड का भी आराम से बता सकते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, माने किसी भी दो बिंदुओं के बीच के, आप लिख दें किसी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। इस तरह से आप इसको और इसको दिखाने के लिए आप केवल एक पाई खींच देंगे, तो इस तरह से आप पाई खींच देंगे तो हो जाएगा और यह हो जाएगा रेखाखंड। इस तरह से आप रेखाखंड आसानी से बता सकते हैं। तो आप देख रहे हैं आप पॉइंट, रेखा और किरण तथा रेखाखंड की परिभाषा आप समझ गए होंगे। तो पॉइंट माने पॉइंट किसे कहा गया, बिंदु किसे कहा गया, बिंदु वह निर्दिष्ट स्थान जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई न हो तो उसे बिंदु कहते हैं। इसे देख रहे हैं एक छोटे से बिंदु लिख करके इसको कोष्ठक में करके से प्रदर्शित किया जाता है। इसको आप इस तरह पढ़ सकते हैं या आप इसको इस तरह कर सकते हैं, द पॉइंट इज दैट पॉइंट विच हैज नो लेंथ ब्रेड्थ आर विड्थ इज कॉल्ड पॉइंट। आप इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। वैसे इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आगे चल करके अभी पढ़ना है, जैसे अभी आपको जैसे ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, ज्योमेट्री क्या है। तो पहले आप शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में आपको सबसे पहली स्टार्टिंग मैंने पहला स्टेप आपको यही मिलेगा कि पॉइंट क्या है, रेखा क्या है और रेखाखंड क्या है, किरण क्या है। इसलिए इन सबको आप ध्यान में रखिए। इसके बाद जो जो आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक्स।